दोस्तों आज हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आशीर्वाद कंपनी की ये ऑटोमेटिक आटा चक्की आई है। इसमें कुछ सेंसर कुछ स्विचेज लगे हैं जिसकी मदद से हम इसको ऑटोमेटिक बोलते हैं। क्या इसमें प्रॉब्लम है, कैसे इसको हम ठीक करेंगे, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं ओवरव्यू कर देता हूँ। ये फ्रंट है इसका, यहाँ पे आपका जो गेहूं या बाजरा या चना जो भी है उसको यहाँ पे क्रश किया जाता है। ये इसका क्रशर है। इसमें पत्थर के जो पार्ट होते हैं, पत्थर के पार्ट की बजाय ये मेटल का क्रशर लगा होता है। यहाँ पे दो मोड हैं, यानी कि आपको बाजरा पीसना है या गेहूं पीसना है, यहाँ पे लिख के यहाँ पे दो मोड दिए हैं। ये इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, यहाँ पे इसका आटा आता है दोस्तों। यहाँ पे एलईडी लगी है, जैसे ही गेट को हम ओपन करेंगे तो एलईडी ऑन हो जाएंगी। गेट को ऑफ करते ही एलईडी यहाँ पे बंद हो जाती है, यहाँ पे एलईडी लगी है दोस्तों। ये यहाँ पे इसकी मेन मोटर है। इसके अगर आप ठीक ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटी मोटर और लगी है, यानी कि कुल मिला के इसमें दो मोटर हैं। एक ये मेन मोटर बड़ी है और एक वो छोटी मोटर है जो कि ऊपर से गेहूं को बिल्कुल बराबर मात्रा में नीचे लेके आने के लिए यूज करते हैं। ये यहाँ पे है और इसकी ये यहाँ पे आप इसका मेन सर्किट बोर्ड है जिसके अंदर आपकी वायरें गई हैं मोटर की और ये सेंसर की एलईडी की। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब ऊपर देखते हैं तो ये चक्की का ऊपर का हिस्सा है, टॉप साइड है, जहां से हम गेहूं को डालते हैं। यहां से गेहूं जो है धीरे धीरे नीचे जाएगा और उस क्रशर के अंदर वो है क्रश हो जाएगा, पिस जाएगा। वो जो छोटी मोटर लगी थी वो यहाँ पे होती है, उसके अंदर छोटे छोटे यहाँ पे डब्बे से बने होते हैं जिससे कि सेम क्वांटिटी में बराबर मात्रा में गेहूं जो है वो धीरे धीरे जाता रहता है, वो मोटर रोटेट होती रहती है। यहाँ पे दो सेंसर लगे हैं, एक तरफ IR LED है, दूसरी तरफ फोटो डायोड है इसके अंदर यहाँ पे, ताकि अगर गेहूं खत्म हो जाए तो वो जो सेंसर का सिग्नल जाएगा उस कंट्रोल PCB के अंदर और वो आपकी रिले की मदद से मोटर को बंद कर देगा, दोनों ही मोटर को वो आपका बंद कर देगा। यहाँ पे जो डायोड लगे हैं, एक फोटो डायोड और एक IR LED, ये सेंसर का यहाँ पे काम करते हैं। तो जैसे ही गेहूं खत्म होगा आपका वो मोटर को बंद कर देंगे। टॉप साइड में ही अगर यहाँ पे इस कवर को हम निकालते हैं तो यहाँ पे भी एक स्विच लगाया है। ये स्विच आपका जो सामने का जो गेट है उसके ऊपर लगाया है, सामने का जो फ्रंट का, ये देखिए यहाँ पे, ये इसको जैसे ही हम इस गेट को बंद कर देते हैं तो ये स्विच आपका, ये देखिए ये स्विच आपका यहाँ पे ऑफ हो जाता है, और जैसे ही इसको खोल देते हैं तो ये स्विच आपका यहाँ पे ऑन हो जाता है। तो ये गेट के ऊपर यहाँ पे एक स्विच लगाया है। अगर ये गेट खुला रहेगा तो आपकी मोटर बंद रहेगी, गेट बंद करने के बाद ही आपकी मोटर चालू होगी, वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है, सुरक्षा के मामले में है। अब इस स्विच के ऊपर चार वायर है टोटल, दो वायर तो यहाँ पे जो स्विच के दोनों पॉइंट है वहां से LED को गई है और बाकी दो वायर यहाँ पे कंट्रोल PCB को गई है। कंट्रोल PCB से ट्रांसफार्मर लगा होता है, छोटा ट्रांसफार्मर, उससे ये जो वायर है वो यहाँ पे आई है और इसे स्विच से होते हुए वापस जाएगी, यानी कि जो सप्लाई बनाई गई है वो यहाँ पे इस स्विच के थ्रू है। जब ये स्विच हमारा ऑफ रहेगा तो पीछे की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, IC को सप्लाई जाएगी, बजर को सप्लाई जाएगी, लेकिन जो रिले का सेक्शन है उसको सप्लाई नहीं जाएगी, यानी कि मोटर आपकी बंद हो जाएगी अगर ये गेट खुला है उस केस में। लेकिन जैसे ही गेट ये खुलेगा तो आपकी ये LED ग्लो हो जाएगी। वो कैसे ग्लो होगी, क्योंकि गेट बंद करने पर स्विच यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, स्विच शॉर्ट हो गया तो LED को कोई सप्लाई नहीं जाएगी, क्योंकि जो करंट का जो रास्ता है वो स्विच के अंदर से रहेगा। जैसे ही गेट ये खुल जाएगा तो स्विच तो यहाँ पे हो जाएगा ऑफ, स्विच ऑफ होने के बाद जो करंट को, जो वोल्टेज को, करंट को, जो सप्लाई को, जो रास्ता रहेगा, जो पाथ रहेगा, वो ये LED के थ्रू हो जाएगा। स्विच ओपन हो गया तो जो करंट है वो इस LED के थ्रू यहां से चलेगा, तो ये LED आपकी ग्लो हो जाएगी, सिंपल सा है ये। अब यहां पे इसको ऑन करके चला के देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, वो तरीके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे मोटर के कनेक्शन हमने कर दिए हैं, चक्की के कनेक्शन कर दिए हैं। आपको धीरे धीरे बजर साउंड सुनाई दे रही होगी। ये जो बजर साउंड है ये पूरे तरीके से आने की बजाय
थोड़ी धीरे धीरे कम आवाज की आपको सुनाई दे रही है। अब यहाँ पे इस मोटर के चलने ना चलने के सिर्फ तीन कारण हैं। पहला कारण तो ये है क्योंकि इसमें यहाँ पे गेहूं या अनाज नहीं है तो ये सेंसर मोटर को चलने नहीं देंगे। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपका ये गेट बंद ना हो या ये स्विच खराब हो। तीसरा कारण हो सकता है कि आपका जो कंट्रोल पीसीबी है, जो सर्किट पीसीबी है, उसके अंदर जो रिले लगी हैं उसमें कोई समस्या हो। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बजर साउंड आने का मतलब वो कंट्रोल पीसीबी आपका काम करती है, काम कर रही है, इसीलिए वो बजर साउंड यहाँ पे करती है। अब सबसे पहले हम क्या करके देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो स्विच है यहाँ पे आप देखें एक बार आके मेरे को तो पता लग गया है कि इसमें समस्या क्या है। जब हम इस गेट को बंद करेंगे, यहाँ पे आपको रोशनी दिखाई दे रही है एलईडी की, ये गेट को खोलने के बाद ही आनी चाहिए, गेट को बंद करने के बाद ये रोशनी यहाँ पे बंद होनी चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो स्विच है ये आपका काम नहीं करता। स्विच अगर काम करेगा तो ये लाइट आपकी बंद हो ही जाएगी, ये डेड श्योर है। यहाँ पे सप्लाई आई हुई है, कंट्रोल कार्ड की सप्लाई यहाँ तक आई हुई है, सिर्फ ये स्विच काम नहीं कर रहा ऐसा मुझे लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको स्विच को यहाँ पे एक सीरीज बल्ब की मदद से डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 200 वाट का मेरे पास बल्ब है, ये यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। डायरेक्ट करते ही बजर साउंड यहाँ पे तेज हो गई है। कुछ नहीं किया मैंने, 200 वाट का बल्ब जो है उसको लेके इस स्विच के ऊपर लगा दिया, तो बजर साउंड, प्रॉपर जो बजर साउंड है वो यहाँ पे आपको आने लगी। अब ये किस लिए आई है, क्योंकि यहाँ पे गेहूं या अनाज नहीं है, तो मैं एक पेपर का टुकड़ा लेता हूँ और ये जो सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है उसके दोनों के बीच में इसको रख देता हूँ। और अब यहाँ पे इस सीरीज बल्ब को यहाँ पे लगाता हूँ। दोस्तों ये यहाँ पे आटा चक्की चलने लगी है, इसका मतलब इस स्विच में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हमने सीरीज में ये बल्ब लगाया 200 वाट का। अब आप ये सोचेंगे कि 200 वाट का बल्ब तो जो है वो आपका यहाँ पे सीरीज में कैसे काम करेगा, क्योंकि जो मोटर है वो ज्यादा वाट की है। ये 200 वाट के बल्ब ने इसलिए काम किया क्योंकि यहाँ पे ये जो कनेक्शन है ये आपके मोटर के नहीं है, ये सिर्फ कंट्रोल सिग्नल है। जो छोटा सेंसिंग ट्रांसफॉर्मर लगता है उसकी सप्लाई, जो आउटपुट सप्लाई है, वो इस स्विच के थ्रू गई है बस। तो यहाँ पे 100-200 वाट का स्विच यहाँ पे प्रॉपर काम करेगा, उससे आप चेक कर सकते हैं इसको। डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे तो हो सकता है कि आगे कोई डायोड वगैरह रेक्टिफायर सेक्शन में या कोई दिक्कत हो तो वो आपका नुकसान हो जाएगा। बल्ब आप यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ फिर से, ये चलने लगी है। अगर ये अगर आप नहीं लगाएंगे यहाँ पे तो ये आपका अनाज खत्म होने पे या जो गेहूं खत्म होने पे जो वार्निंग बजर करता है वो आपका करता रहेगा। उसके लिए हमने यहाँ पे ये पेपर लगा दिया था दोनों सेंसर के बीच में। अब सबसे पहले हम स्विच को खोल के इसको रिपेयर करते हैं, उसके बाद ये एलईडी का भी पोर्शन देखेंगे कि ये बंद होने के बाद एलईडी आपकी यहाँ पे बंद हो जानी चाहिए। तो स्विच को हमने बाहर निकाल लिया है और ये है आपका स्विच। जैसे ही इसको हम कवर की मदद से प्रेस करते हैं तो ये पत्ती जो है वो इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देती है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार गौर से, आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो पत्ती है ये आपके इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देती है। अब यहाँ पे मल्टीमीटर लगा के मैं चेक करवा देता हूँ, यहाँ पे तो ठीक है, इन दोनों पे हमने लगा दिया। और अब अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये कोई भी कंटिन्यूटी शो यहाँ पे नहीं कर रहा है, जबकि इसको यहाँ पे कंटिन्यूटी शो करनी चाहिए। मैकेनिकल ये स्विच होता है, बड़ी आसानी से हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेट्रोल से साफ कर देते हैं और पेट्रोल से साफ करने के बाद इसको फिर से दोबारा से चेक करते हैं। अगर पेट्रोल से साफ ना हो तो आप थोड़ा सा यहाँ पे इसके स्क्रैच करके भी इसको साफ कर सकते हैं। हम एक बार पेट्रोल से इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो पेट्रोल से हमने इसके जो कॉन्टेक्ट थे, जो पॉइंट थे, उनको साफ कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसको चेक भी कर लेते हैं। मल्टीमीटर को मैं जैसे पहले लगाया था वैसे लगा देता हूँ। बजर साउंड भी आ रही है और साथ में ये मीटर जो है 00 भी शो कर रहा है, यानी कि स्विच यहाँ पे काम कर रहा है। देखिए अब इसको हम इस स्विच को वापस वहां पे माउंट कर देते हैं, उसके बाद चक्की को चेक करेंगे। दोस्तों स्विच को हमने यहाँ पे वापस माउंट कर दिया है जहां पे ये पहले था। पेपर को हमने यहाँ पे लगा दिया है ताकि ये सेंसर के बीच में आ जाए।
अब मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ इसको, ये यहाँ पे चलने लगी है। आप ये बात जरूर महसूस करेंगे यहाँ पे अब लाइट ऑफ पड़ी है, पहले यहाँ पे लाइट परमानेंट ऑन थी। मैं इसको गेट को खोलता हूँ, जैसे ही मैंने गेट को खोल दिया तो लाइट यहाँ पे ऑन हो गई है और मोटर बंद हो गई है। जैसे ही गेट को बंद करेंगे तो ये लाइट आपकी ऑफ हो जाएगी, लाइट ऑफ हो गई है और मोटर चल गई है। दोस्तों जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गेट को बंद करने के बाद भी अगर यहाँ पे इसके अंदर की लाइट ऑन रहती है तो इसका मतलब स्विच में प्रॉब्लम है। दोस्तों वायरिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो वायर लगी है वो कहाँ पे गई है। दो जो स्टार्टिंग की रेड और ब्लैक है वो इनपुट लाइन इनपुट न्यूट्रल है, जहाँ पे 230 वोल्ट हमारी आती है। उसके बाद जो दो वायर गई है रेड कलर की वो आपकी इस बड़ी वाली मोटर पे गई है। बाकी दो नीली वायर गई है ये आपकी जो छोटी मोटर है, जो कि ऊपर से आपकी, मैं दिखा देता हूँ, रेड वाली यहाँ पे गई है दोनों, और ये जो छोटी मोटर है ये वाली इस मोटर पे गई है आपकी नीली वाली। तो ये छह वायर यहाँ पे हो गई है, इनपुट वायर न्यूट्रल फेस और ये आउटपुट की न्यूट्रल फेस और ये आपका दूसरी मोटर को न्यूट्रल फेस, सिंपल है। इसके बाद ये जो रिबन केबल है इसमें टोटल 10 वायरें हैं, दो वायर तो गई हैं आपकी बजर को, बाकी दो वायर गई हैं इंफ्रारेड एलईडी को और दो वायर गई हैं आपकी फोटोडायोड को, टोटल 6 हो गई हैं। उसके बाद दो वायर गई हैं आपकी जो स्विच हमने ठीक किया है वहां पे, 8 हो गई हैं, और दो वायरें गई हैं आपका जो मोड चेंज करने का स्विच है जिसमें बाजरा और गेहूं जिसका मोड हम सिलेक्शन करते हैं वहां पे, टोटल 10 वायरें ऐसे गई हैं ये। और इसके बारे में जो इंटरनल सर्किट है उसको भी कभी मौका लगा तो इसको निकाल के मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वायर कैसे कहां से गई है, कहां पे सेंसर ने काम किया और कहां पे कितनी वोल्टेज बनेगी, उसके बारे में भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी जानकारी दूं।